तो ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। गुरुदेव की अपनी राशि है और आज मेरे साईं का दिन है, आपके राशि के स्वामी गुरु हैं। और इस वक्त अगर हम गुरु को देखें तो गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं। मित्रों, ये मैंने पहले भी बोला था कि सोच समझ कर ये कार्यक्रम किए जाते हैं, आपको समझाया जाता है कि ज्योतिष के क्या अर्थ होते हैं। गुरु के साथ राहु जो है वो चांडाल योग बनाकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सूर्य के साथ केतु जो है उसके सामने है, इसलिए विपरीतार्थक राजयोग का भी निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है। धन लाभ के योग जरूर हैं मगर कुछ निराशाओं के साथ। व्यापार लाभ के योग जरूर हैं मगर कुछ समस्याओं के साथ। अपनी सेहत का ध्यान रखें, माता की सेहत का ध्यान रखें। आज का दिन कुल मिलाकर 60 से 65% उत्तमता भरा। पीले रंग का उपयोग करें और साईं के मंदिर में आज प्रणाम करने जरूर जाएं। पीले रंग का उपयोग करें, गेंदे के फूल साईं के चरणों में चढ़ाएं। और भाग्य अंक है 9। आगे बढ़ते हुए आप बात करते हैं मकर राशि की। शुक्र और बुध आपकी राशि में कहीं ना कहीं भाग्य लक्ष्मी योग बना रहे हैं। प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, समाज में नाम बढ़ेगा, राजनीतिज्ञों को बड़ी सफलताएं मिलेंगी, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। और चाहिए क्या, तो क्या करें। आज कम से कम 7 बच्चों के लिए कुछ किताबें और कॉपीज, कुछ पेन्स जो हैं वो उनको लेकर दे दें। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। 80% उत्तम तबरा दिन, ब्राउन भूरे रंग का इस्तेमाल करें। और भाग्य अंक है 6। अगली राशि पर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। सूर्य और केतु आपकी राशि में हैं, थोड़ा ध्यान रखें, कोई डिसीजन जल्दबाजी में मत लें। व्यापार में वृद्धि के योग बन सकते हैं, वो कब, जब आप अपनी आंखें खुली रखेंगे, कान खुली रखेंगे। किसी के ऊपर ज़्यादा यकीन मत करें आज, और जो भी कार्य करना है सोच समझ कर करें। वाणी और बुद्धि और क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। छोटा मोटा नोक झोंक झगड़ा भी हो सकता है। और नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनके लिए षड्यंत्र हो सकता है, शांति से चलने दें आज का दिन। 40 से 50% कुंभ राशि वालों का आज का दिन है। डस्की ब्लू, ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। और भाग्य अंक है 4। आगे बढ़ते हुए आप बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मन, आत्मा, बुद्धि, विवेक सब आपके साथ में है। व्यापार, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य ये भी आपके साथ में है, इसलिए आज का दिन अति उत्तम माना जा सकता है। फ्लैट बुक करने के योग बन सकते हैं, कार, बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदने के योग बन सकते हैं, क्योंकि व्यापार में वृद्धि हो चुकी है, ऐश्वर्य में वृद्धि हो चुकी है, धन की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर 80% उत्तमता भरा दिन। आप भी आज मिल्की वाइट सफेद कलर का इस्तेमाल करें। और भाग्य अंक है 3। तो मित्रों, ये थी आज मेरे साईं की कृपा से एकादशी के दिन 12 राशियां और उनका फलादेश। कल शुक्रवार है, फिर कल मुलाकात होगी। आप देखते रहिए आपका मनचाहा कार्यक्रम राज ज्योतिष, आपके मनचाहे चैनल पर। जय महाराष्ट्र।